राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने दिल्ली कैंट में सोमवार को आयोजित टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन से मेजर रैंक प्राप्त करने के लिए परीक्षा में हिस्सा लिया। परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित किया जाएगा। बता दें कि सचिन पायलट टेरिटोरियल आर्मी में वर्तमान में कैप्टन है। अगर वे इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो उन्हें मेजर रैंक पर प्रमोट कर दिया जाएगा। दिल्ली कैंट में उन्होंने परीक्षा में शामिल होने के बाद अपनी यूनिट के अफसरों से मुलाकात भी की। इस दौरान पायलट आर्मी की यूनिफॉर्म में नजर आए और काफी देर तक आर्मी के जवानों के साथ उन्होंने वक्त भी बिताया। नोएडा के वेदपुरा गांव के रहने वाले गुर्जर कांग्रेसी नेता सचिन पायलट के परिवार का जुड़ाव हमेशा सेना से रहा है। उनके दिवंगत पिता कांग्रेसी नेता राजेश पायलट भी राजनीति में आने से पहले एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर थे। राजेश पायलट ने बतौर फाइटर पायलट भारत पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा लिया था। गौरतलब है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता सचिन पायलट ने 2012 में केंद्रीय मंत्री रहते लेफ्टिनेंट के पद पर टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन किया था। 2 साल पहले ही उन्हें लेफ्टिनेंट से कैप्टन पद पर प्रमोट किया गया है। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट हर साल कुछ समय अपनी आर्मी यूनिट के लिए निकालते हैं और सिख रेजिमेंट के आयोजित कार्यक्रमों और बैठकों में हिस्सा लेते हैं। बता दें टेरिटोरियल आर्मी एक वॉलंटियर सर्विस होती है। इसमें शामिल होने के लिए आर्मी जैसा ही सिलेक्शन प्रोसेस होता है। इसमें प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा, फिजिकल और मेडिकल फिटनेस परीक्षाओं को पास करना होता है। लिखित परीक्षा पास करने वालों को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें अफसर बनने वालों को भी युद्ध में जरूरत पड़ने पर बुलाया जाता है। टेरिटोरियल आर्मी में अफसर बनने के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना जरूरी है। टोंक से विधायक सचिन पायलट आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर टोंक से ताल ठोकने का ऐलान कर चुके हैं। इस बार टोंक में सचिन पायलट को कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भाजपा ने टोंक जिला प्रभारी के रूप में दिल्ली बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी को भाजपा की जमीन तैयार करने का जिम्मा सौंपा है। उल्लेखनीय है कि सोमवार को चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने शोएब खान को आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाया है, जबकि एसडीपीआई और एआईएमआईएम पार्टी ने भी टोंक से अपने प्रत्याशी को सचिन पायलट के सामने उतारने की घोषणा की है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।